हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो किसके किसको मेकअप उतारने के बाद हमारी स्किन डल ड्राई डैमेज हो जाती है, तो मैं आज बताऊंगी कि कैसे आप अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं, फ्रेश अप कर सकते हैं बस सिर्फ एक चीज़ रेमेडी ट्राई करके। पसंद आए तो ब्यूटी एस्टर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी जो है आपके डार्कनेस को कम करेगी, आपके डलनेस को कम करेगी। आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा चम्मच मसूर दाल का पाउडर मिक्स कर लीजिए। इसके जगह आप बेसन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक चम्मच एकदम गाढ़ी वाली दही डाल दीजिए। 2 से 3 चम्मच रोज़ वाटर डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप इसके जगह वाटर भी मिक्स कर सकते हैं और अच्छे से इसका एक लेयर जैसा पेस्ट तैयार कर लीजिए। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है इसको, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है फूलती है, देख सकते हैं। इसको मैंने फूलने के लिए 2 मिनट रखने के बाद फेस जो है करवा चौथ का मेकअप करने के बाद उतारने के बाद सुबह ऐसा लगता है जैसे हमारे फेस जो है सूजा हुआ लगता है, हमारा स्किन जो है फ्रेश फील नहीं कर पाता है। तो आप इसको बना कर ट्राई करो, आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, कोई भी शादी पार्टियों में जाते हो, मेकअप करते हो, उसके बाद मेकअप थोड़ी सी भी करो चाहे ज़्यादा करो, हटाने के बाद हमारी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है। बस ये दोनों रेमेडी आप यूज़ करो, आपको इतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसको कुछ नहीं बना के अप्लाई करना है, 2 से 3 मिनट अच्छे वाले मसाज दे दीजिए, उसके बाद इसको धो दीजिए। सेम टाइम चाहे तो 10 मिनट रख के धो सकते हैं, रिजल्ट बहुत ही औसम है, देख सकते हैं। सेम टाइम आपका चेहरा जो है फ्रेश लगने लगेगा, आपकी स्किन जो एकदम ग्लोइंग चमकदार हो जाएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब